हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और टेंशन फ्री होंगे। जैसा कि हर एक नए नए टॉपिक से लेकर आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया। आज हम बात करेंगे जापानीज कोई फिश के बारे में। कोई फिशेस के ऊपर बहुत सारे जो है कमेंट्स आते रहते हैं, रिक्वेस्ट भी आते रहते हैं कि कोई फिशेस जो है बहुत सारे फैंस फॉलोइंग है कोई फिशेस के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि कोई फिशेस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए रखे हैं कोई फिशेस के ऊपर, लेकिन अभी तक मैंने जापानीज़ कोई के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए आज जापानीज़ कोई के बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जापानीज़ कोई जो है इम्पोर्टेड फिशेस है जो बाहर से इम्पोर्ट होकर इंडिया को आती है, क्योंकि ज़्यादातौर पर ये फिशेस जो है जापान से बिलोंग करती है, जापान से आती है। इनको जापान में निशी कोई गोई करके इनको नाम से पहचाना जाता है। पहली बार जब ये फिशेस की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फिशेस जो है चाइना में पाई गई थी। चाइना से जो है एज ए गिफ्ट गिफ्ट के तरह से जापान को दिया गया था। जापान में निशी की गोई के नाम से पहचानी जाती है वहाँ पर ये कभी कभी, और वहाँ पर ये 8 वेराइटी से भी ज़्यादा फिशेज जो है पाई जाती हैं जब ये स्टार्टिंग लाई गई थी। अभी ये बहुत सारे ब्रीडर जो है जो फार्म्स होते हैं उन्होंने इनको अलग अलग फिशेज़ के साथ ब्रीड कर करके अभी तक 26 से ज़्यादा फिशेज़ जो है मोस्ट पॉपुलर फिशेज़ जो है इनको वेराइटीज़ पाई जाती है। जैसा कि कुहा कोई एक टाइप की फिशेज़ होती है, गेसोनिन और तैशु शोवा, इस तरह के बहुत सारे नाम्स होते हैं जो हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते जापानीज़ के लैंग्वेज में होते। इस तरह के 26 टाइप की वेराइटीज़ जो है फिशेस जापानीज़ में पाई जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फिशेस में जो है अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेप्स में फिशेस जो है पैटर्न में पाई जाती हैं। इन फिशेस को ज़्यादातौर पर पॉन्ड में रखा जाता है, बैकयार्ड जो घर के पीछे या कोई ओपन एरिया में पॉन्ड बनाते हैं वहाँ पर पाया जाता है, और बहुत कम इन फिशेस को एक्वेरियम टैंक के अंदर रखा जाता है। लेकिन ज़्यादातौर पर देखते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है टैंक के अंदर ही रखते हैं, ग्लास टैंक के अंदर, लेकिन कंपेयर टू इंडिया बहुत दूसरी कंट्री में जो है इनको पॉन्ड बनाकर रखते हैं या सीमेंट टैंक बनाकर रखते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अबव 5 फीट की टैंक में रखें, या हो सके तो छोटा पॉन्ड बना लें तो उसमें रख सकते हैं। और बड़ी टैंक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ़िशेज़ जो है कोई फ़िशेज़ की तरह नहीं होते। कोई फ़िशेज़ जो है कभी कभी ग्रेवल के ऊपर बैठे रहते हैं, थोड़े सुस्तीले किस्म के फ़िशेज़ जो है होते हैं कोई जो इंडिया में मिलते हैं। लेकिन जापानीज़ कोई की बात करें तो जापानीज़ कोई जो है बहुत एक्टिव होती हैं और टैंक के हर हिस्से में ये स्विम करती है, आजू बाजू लेफ्ट राइट और जितना ऊपर नीचे सब जगह होती है, हर जगह ये फ़िशेज़ के कोने कोने में, जो टैंक के कोने कोने में ये स्विम करती रहती है, इतनी एक्टिव होती है। और ये फ़िशेज़ जो है 10 से 30 तक के टेम्परेचर में रह जाती हैं। अगर आप इनको रख रहे हैं एक्वेरियम के अंदर तो एटलीस्ट ट्राई करें कि 22 टेम्परेचर मेंटेन करें, क्योंकि 22 टेम्परेचर से इनका फिशेज जो है कलर इनका अच्छा आता होता है और फास्ट ग्रोथ भी होती है, अपना कलर भी अच्छा दिखाती हैं और फास्ट ग्रोथ भी हो जाती हैं। 22 से छोटा कम हो जाए टेम्परेचर तो ये इनकी ग्रोथ जो है थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप पॉन्ड की बात, अगर हम गहराई की बात करें तो अगर हम पॉन्ड में रख रहे हैं तो 1 मीटर होना ज़रूरी है। जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के जितने भी ये पॉन्ड्स होते हैं वो 1 मीटर की गहराई वाले, यानी अबाउट 3 फीट से ज़्यादा जो है अंदर की गहराई तक इसको खोदते हैं, जो बनाते हैं पॉन्ड को, तभी इन फिशर्स को रखते हैं। लेकिन इंडिया में देखा गया बहुत सारे लोग चाहे 6 इंच के या 1-12 इंच के पॉन्ड में भी रख देते हैं, ये बहुत गलत है क्योंकि ये फिशर्स जो है ज़्यादा अंदर रहना पसंद करती है। अगर आप ज़्यादा अंदर के जो है 3 फीट की गहराई वाला या 1 मीटर की गहराई वाला पॉन्ड बनाते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि फ़िशेस जो है ठंडी और गर्मी में बहुत सारे सह लेते हैं। मसलन जैसा कि आप, अगर छोटा टैंक हो, छोटा जो है गहराई कम हो तो बहुत जल्दी सर्दी या गर्मी का इफेक्ट पड़ जाता है। अगर गहराई अंदर ज़्यादा हो तो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है नीचे तक सर्दी और गर्मी का, तो ऐसे फ़िशेस जो है बहुत अच्छा से सर्वाइव कर जाते हैं अगर आप लंबाई जो है गहराई जो है ज़्यादा रखें तो। अगर आप टैंक में रख रहे हैं तो ट्राई करें कि एटलीस्ट 2 फीट लेंथ का जो है टैंक लें, उससे छोटा टैंक मत लें। चौड़ाई जितना भी हो बेहतर है, लेकिन कम से कम आप 2 फीट जो है उसकी विड्थ हो, इस तरह की लेंथ हो, इस तरह की फ़िशेस टैंक रखें। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि मैं जो लंबाई होती है उसकी बात कर रहा हूँ, जो चौड़ाई होती है उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, यानी हाइट की बात कर रहा हूँ। हाइट जो है नीचे से ऊपर का हाइट जो है एटलीस्ट 2 फीट का होना ज़रूरी है एक्वेरियम के अंदर। अगर आप पॉन्ड में रख रहे हैं तो 1 मीटर का होना बहुत ज़रूरी है इन फिशेस को, जापानीज को इसको लॉन्ग लाइफ रखने के लिए, क्योंकि ये फिशेस जो है बात की जाए तो उनकी ग्रोथ, उनके एज के बारे में, ये 40 से 70 साल तक जी लेती हैं।
इनको प्रॉपर केयर करे तो। और यहाँ तक इनका रिकॉर्ड है कि 226 साल तक की कोई फिशेज भी पाई गई है जो रिकॉर्ड की गई है हिस्ट्री के अंदर। हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग लाकर कोई रखते हैं, लेकिन एक साल के अंदर या दो साल के अंदर ही फ़िशेस मर जाती है, क्योंकि इनकी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट हम उनको दे नहीं सकते, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लें आप, टेम्परेचर और टैंक की गहराई या पोन की गहराई, इन चीज़ों का ध्यान रख लें तो ये फ़िशेज़ जो है ज़्यादा लाइफ जी सकती हैं। और कोई फ़िशेज़ जो है फुट को अंदर अपने अंदर स्टॉक नहीं करते, ये भी गोल्ड फिश की तरह होते हैं। इनको ज़्यादा तौर पर ये फ़िशेज़ जो है पेट के अंदर फूड नहीं खा रखते, थोड़ा खाने के बाद इमिडिएटली बहुत जल्दी इनका फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप 3 से 4 बार आप इनको फीड दें पर डे, तब भी कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉर्मल कोई से जापानीज़ कोई जो बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि इनको अलग एक फॉर्म में रखकर, जैसा कि फ्लावाहन को ब्रीड करते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के साथ, या कहा जाए तो गप्पीज़ को ब्रीड करते हैं अलग अलग फिशेज़ के साथ लेकर, इसी तरह कोईस को भी बहुत सारे फार्मर्स जो है जापान के अंदर या चाइना के अंदर उनको अलग से वेराइटीज़ केयर करके और बहुत सारा अच्छा फीड देके अलग अलग, जैसा कि हम बात करें तो डॉग के जैसा डॉगी होती है, डॉग को अलग अलग वेराइटीज़ के साथ ब्रीड करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी वाले डॉग हमको मिल जाए। इसी तरह कोई का भी होता है मामला, कोई को भी अलग अलग फीचर्स के साथ ब्रीड करके सेम ही वेराइटी के अच्छा पैटर्न, अच्छा कलर और अच्छी लुक लाने के लिए अलग अलग फीचर्स के साथ ब्रीड करते हैं, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। 1,000 से 20,000 तक भी इसका प्राइस हो जाता है इंडिया के अंदर अच्छे से अच्छे कोई का, जो जापानीज़ कोई होती है। और जैसा मैंने कहा कि फ़िशेज़ जो है ख़ास तौर पर आउटपॉन्ड की फ़िशेज़ होती है, इसलिए अगर आप आउटपॉन्ड बनाकर रखें तो बेहतर है। और इनके लिए 500 गैलन की टैंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पौंड 500 गैलन की टैंक होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पौंड की बात करें तो 4,000 लीटर का पौंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे छोटा पौंड बनाएंगे तो फ़िशेज़ जो है हेल्थी नहीं रह पाएगी। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने के लिए आप चाहे तो एयर पम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं पौंड के अंदर या टैंक के अंदर। और टैंक के अंदर देखा गया है कि अक्सर ये नॉर्मल एक्वेरियम जो होते हैं वहाँ पर 18 इंच तक ये फ़िशेज़ जो है बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मली जो वाइल्ड में होते हैं या पॉन्ड के अंदर ये फ़िशेज़ 3 फीट तक भी बड़ी हो जाती हैं। और फीडिंग में आप इनको पेलेट दे सकते हैं, एक्वेरियम इंसेक्ट्स, ब्लड वर्म, ब्रेन शेम्स, इस तरह की फीड आप इनको दे सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि दिन में 3-4 बार फूड दें तब भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, थोड़ी जानकारी आपको कोई फ़िशेज़ के बारे में मिल गई है और पसंद आ गया तो वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक ने हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि हर अलग अलग टॉपिक लेकर आता रहूँ, हर दिन मैं एक अलग अलग टॉपिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।